नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं मुबारकपुर पंचायत के रेवल गांव में और यहां पे काफी लोग उपस्थित दिख रहे हैं, ग्रामीण जनता है। क्या इनकी जल समस्या है? क्योंकि यहां पे जैसा कि जो स्थिति है, हम लोग जब जा रहे थे तो जो गाँव में पहले चौपाल लगता था ऐसे ही जगहों पे लगता था, पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, ऐसी जगहों पे चौपाल लगता था, ऐसी जगहों पे आम सभाएं हुआ करते थे। लेकिन आज वो बंद हो चुकी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या कहीं का जनप्रतिनिधि हो, आम सभा और ग्राम सभा हो, तमाम चीजें बंद हो चुकी है। आज जो स्थिति है कि गांव में कुछ सुविधा है, तमाम चीजें और नहीं मिल पाती है। आखिर में रीजन क्या है, अधिकारी कहाँ है, तमाम लोग कहाँ बैठे हुए हैं जिनके रीजन में आज तक इस गांव में और इस मोहल्ले में अभी तक नल जल की योजना नहीं पहुंची। आइए हम लोगों से बात करते हैं, क्या समस्या है, किन समस्याओं में लोग जूझ रहे हैं, तमाम जानकारी हम लेंगे। चाचा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या हम लोगों का है कि ये नल जल नहीं है, हम लोगों को सामुदायिक भवन नहीं है। नल जल का टंकी बैठा कि नहीं बैठा? जी नहीं बैठा, नहीं बैठा है। ना, चार नंबर वार्ड में बैठा है तो सिर्फ मुखिया जी अपने पास बैठाए हुए है, यहाँ नहीं है। पहले हरिंदर मुखिया थे, अभी जो है विजय मुखिया। तो अभी जो पूर्व मुखिया थे या अभी जो बने, इन लोगों से अपनी आवाज उठाया कि नल जल होना चाहिए? बहुत पहले उठाए थे। तो क्या बोले? वो बोले कि जे ठीक है, हम तो अपने जगह वहाँ एक चार नंबर वार्ड में एक जगह बैठा लिया है, वार्ड में एक ही जगह, वो बोले कि जे वार्ड में एक ही जगह बैठता है। तो हम लोग बोले कि आप अपने घर के पास बैठा लिए, लेकिन यहाँ हम कौन वाला ही बात, ये बात हरिंदर मुखिया जी बोले, मुखिया पूर्व मुखिया बोले कि जे हम वहाँ बैठा लिए हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में संभव नहीं, संभव है खला जगह में उनका है घर है, हम लोग का ऊंचा जगह में है, लेकिन मेन रेवल ये है, मेन रेवल में नहीं मिला, उनके घर के अगल बगल में मिल गया है। स्कूल की क्या व्यवस्था है चाचा? यहाँ पे स्कूल वगैरह है? जी नहीं है। स्कूल में बच्चे कहाँ जाते पढ़ते? पढ़ने जाते हैं मुबारकपुर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं। अच्छा, बच्चों लोगों को स्कूल में भी खाना नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? मिलता है। मिलता है? कब से मिल रहा है ये? हमको 5 वर्ष, 5 वर्ष से मिल रहा है वृद्धा पेंशन मिलता है। लेकिन शिक्षा पे बिहार के मुख्यमंत्री जोर देते हैं, बताते हैं। और इस गांव में, रेवल गांव में कितनी जनसंख्या है यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग को वार्ड में कितना पड़ेगा? 500 से कम ले सकती है। कितना? 500 आदमी है। 500 है इस वार्ड में? और इस वार्ड में मतलब कौन कौन से कास्ट रहते हैं? यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पिछड़े लोग हैं, इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए यहाँ पे स्कूल नहीं है। कुछ इलाज की व्यवस्था यहाँ पे है? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज करने लिए पटना। इधर नहीं मिलता है सरकारी सुविधा, अस्पताल वगैरह या फिर दवाई वगैरह कुछ? सोच सकते हैं क्या स्थिति है। इस प्रकार से पंचायत पिछड़ रहा है और ये पंचायत धारा के किनारे है, बाढ़ भी आएगा तो ये लोग डूब जाएंगे। फसल नुकसान हो जाता है, अभी तो सुखाड़ की स्थिति है, लेकिन दहाड़ जब आता है ना तो यहाँ पे ये लोग डूब जाते हैं, इनकी फसल नहीं हो पाती है। और आज समस्या ये है कि इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं है, स्कूल में पढ़ने जाने के लिए 1 या 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। दूसरी चीज, इनको कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य के भी इनको मिल सके, उसके लिए लोग दिल्ली, पटना या फिर छपरा या फिर मांझी जाते हैं। ये स्थिति है एक पंचायत की और पंचायत के गांव की। और भी लोग हैं, ये इन लोगों से भी हम बात करते हैं। कितना का सुविधा है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं है। तो फिर आप लोग वोट काहे लिए देते हैं? वोट देना पड़ेगा। हेलो, विरोध को तो कर सकते हैं, विरोध तो करते हैं हम लोग, लेकिन लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है।
सकते हैं बिल्कुल ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया में क्या स्थिति आई है। एक नौजवान भाई साहब है, आज की पीढ़ी है और किस प्रकार से चशा वगैरह जो चीज बता रहे हैं अभी एक मैं जाऊँगा घुमा के दिखाती है। बच्चे वगैरह भी आते हैं और मतलब इतना मस्त पता लग रहा है इसका जवाब नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पैसे हैं और वार्ता कर रहे हैं। क्या व्यवस्था है नौजवान आप है, नौजवान आज हर चीज में आगे आके रूल ले रहे हैं, आगे आके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे आखिर में सब व्यवस्था नहीं, आवाज क्या नहीं अभी उठा, आवाज उठा कर हम लोग क्या करेंगे, तो समस्या कैसे मिलेगा, आवाज उठाते हैं यही सुनने को मिलता है कि हो जाएगा, संभावना कुछ नहीं होता है, केवल आशा दिया जाता है कि हो जाएगा भाई कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि अगर इस तरह से व्यवस्था रही, फंड हर चीज आता है, आपके वार्ड का भी आपके गांव का भी फंड रुक जाता होगा कागज में, बाबू लोग के खाता में चला भी जाता होगा, तमाम चीज हो जाता होगा, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाता, किसको दोषी मानते हैं? सरकार को ही दोषी मानेंगे ना, सिस्टम को, सिस्टम को, सिस्टम से नाराज लोग हैं। जाहिर सी बात है सरकार के तरफ से अगर पैसा आता है तो बाबू लोग जो बैठे हुए हैं या जनप्रतिनिधि लोग हैं अपना जो है हिस्सा बकरा परसेंटेज लगा करके खा जाते हैं। ग्रामीण जनता जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं है, रोड हो या न हो, अस्पताल हो या न हो, स्कूल हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस बाबू लोग का पेट भरना चाहिए। आज यही आम जनता वोट देती है तो एक मुखिया बनता है, एक वार्ड बनता है या एक विधायक बनता है या एक सांसद बनता है, लेकिन यही आम जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है। आज उनको उनका अधिकार और हक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज ये लोग नाखुश है। आंदोलन कर सकते हैं लेकिन इनको संभावना दिया जाता है कि नहीं आपको योजना का लाभ मिल जाएगा, तो ये चीज स्थिति है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे बिहार की ये स्थिति है, इस जन समस्या गांव में मैं चाहूंगा दिखा दीजिए, पूरा ही चौमर एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, न्यूज यहाँ पे बना रहे हैं, पूरा चौमर एरिया, और यहाँ पे ये स्थिति है कि लोगों को कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। बस वगैरह ये गाड़ी किधर सुनता है, यहाँ से कितना किलोमीटर है कुमार? ताजपुर, ताजपुर 5-6 किलोमीटर। सोच सकते हैं इतना दूर इन लोगों को जाना कैसे जाते हैं, पैदल या जिस पैदल या अपने साइकिल से, आप मान लीजिए कि बाइक वगैरह से, बस बाइक या बाइक से चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये स्थिति आई। एक और नौजवान भाई साहब है, इनसे भी बात करते हैं, क्या मतलब समस्या क्या है, समस्या क्या खुलिएगा तब ना भाई जाने का। कहा है हमारा भी तो पंचायत है ना, वो पंचायत है ना, समस्या तो होगा हमारा वार्ड में है ना, ये आपका इसी पंचायत का है ना काम, मोबाइल का हमारे वार्ड में होता है, हमारा काम किए काम किए हैं, आप सब व्यक्तिगत किए हैं, आप एक आप मेरे मतलब कुछ करते हैं तो कैसे करते हैं, जो हमारे होती है हम लोग को नहीं देते। अब सोच सकते हैं स्पेशल स्पेशल आदमी को मिल जाता है, एक चाचा उचा को नहीं मिल पाता है, काहे कि स्पेशल आदमी नहीं है इसलिए नहीं मिल पाता। यहाँ पे बच्चे भी है, आइए पूछते हैं बच्चे पढ़ क्या गए, सोचा गया कौन सा स्कूल पढ़ता है, कितना दूर है यहाँ से, कैसे जाता है, कितने क्लास में हो, खिचड़ी उचड़ी खाना मिलता है स्कूल में, नहीं मिलता है। सोच लीजिए स्कूल में खाना तक नहीं मिल पाता है और ये लड़का जो है पैदल जाते, छुट्टी हो गया स्कूल का, छुट्टी हो गया 3 बजे होता है, अभी तो 3 नहीं बजा, कैसे आ गया लंच के टाइम में लड़का चला है, टीचर को पता भी नहीं है, सोच सकते हैं। अच्छा खाना खाने के लिए घर आया तो घर पे रह गया, और सोच सकते हैं ये स्थिति है, खाना नहीं मिलता है और सरकार के खाते में जो चीज है कि नहीं यहाँ पे भोजन वगैरह दिया जाता है। बाबू पढ़ते हो कौन सा स्कूल, स्कूल का क्या नाम है, मुबारकपुर स्कूल है, क्या पढ़ाया जाता है स्कूल, हिंदी उन्दी आता है, हिंदी लिखते हो, क्या क्या जानते हो, कौन सा ही गाँव, हमारा पूरे जिला कौन सा है, कौन सा जिला है, जिस जिले में रुकिए ना जी, आप
प्रखंड कौन सा है? नहीं पता। स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? ललन सर। हाँ, वो बढ़िया पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? कुर्सी पीते हैं, कुर्सी में बैठते हैं। देख लीजिए एक बच्चे से हकीकत कि प्रिंसिपल जो है पढ़ाते नहीं है, सिर्फ कुर्सी तुरते हैं। ये मुबारकपुर के स्कूलों की स्थिति है। और यहाँ पे जो बच्चा है हकीकत चीजें बता रहा है, क्योंकि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। और इस बच्चे को इतना तक नहीं पढ़ाया गया, पांचवा क्लास में है। स्कूल के टीचर को बताना चाहिए कि तुम्हारा ब्लॉक कौन है, तुम्हारा जिला कौन है, तुम्हारा राज्य कौन है, ये तक इस बच्चे को पता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आखिर में सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। और रही बात खिचड़ी की या खाना की, तो लोग ये खा जाते हैं, लेकिन आम जनता को बच्चों को नहीं मिल पाता है। चाचा का मतलब स्कूल में सब नहीं मिलता है तो आप लोग नहीं खाते हैं? कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। बच्चे घर पे आते हैं भोजन करने के लिए? भोजन घर पर आके करते हैं, स्कूल में थोड़ी मिलता है। स्कूल में नहीं मिलता है? कभी कभी स्कूल के मास्टर से बात पूछे हैं आप लोग? पूछे हैं तो जब वो बोलते हैं कि जब आएगा तो हम लोग देंगे, खिलाएंगे, नहीं आएगा तो कहाँ से देंगे? सुन सकते हैं, आएगा तो देंगे। जाइएगा स्कूल में ना तो मेनू लगा हुआ है 6 दिन का, कि कौन से दिन में कौन खाना बनेगा, कौन से दिन में कौन खाना बनेगा, लेकिन मिलता नहीं है। आएगा तो देगा, पता ना कहाँ से आएगा पता नहीं है, लेकिन आता है। ये तो क्लियर है जो आता है लेकिन मिल नहीं पाता, ये स्थिति है यहाँ पे। और आप सोच सकते हैं, आइए और भी लड़के हैं जो स्कूल के कहाँ बा, कौन सा गाँव? मुबारकपुर। किस क्लास में हो? 5 में। क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, क्या क्या जानते हो, कुछ बताओगे? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। देख लीजिए, बहुत बढ़िया, ये चीज पढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूल में। नीतीश बाबू का नाम तक नहीं पता है बच्चों को, और यहाँ के टीचर बताते भी शायद नहीं है। आएंगे, हाजिरी बनाएंगे, टाइम खत्म, घर गए। बच्चे पढ़े या जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं है। बेरोजगारी होगा तब ना कुछ काम दाम करेंगे, आपका हमारा दूसरे का मजदूरी करेंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस बच्चे को बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पता है। कौन सा जिला है? छपरा जिला है। प्रखंड? माझी प्रखंड है, है? माझी प्रखंड है ना। पंचायत कौन सा है? मुबारकपुर पंचायत है। प्रिंसिपल के क्या नाम है स्कूल के? ललन सर। और पढ़ाते हैं कि खाली बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं। भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाते नहीं। अगर स्कूल से आ गए हो, कहाँ है? भूख लगा था तो आगे सोच सकते हैं। सही बात है, छोटा बच्चा है, जब भूख लगेगा ना, जब बच्चों को भूख लगता है तो उसको मम्मी की याद आती है। छोटा बच्चा होता है, ये भी छोटा है, जब भूख लगी तो स्कूल से घर चलाया, खाया पिया, आराम से यहाँ बैठ के हवा ले रहा है। अब स्कूल के टीचर को मतलब नहीं है तो पढ़ेगा या कहाँ जाएगा। आया, अटेंडेंस बन गया, बस बात खत्म। अब लंच में भाग जाए या दूसरी घंटी में भाग जाए या चौथी घंटी में भाग जाए, कोई पता नहीं है। ये स्थिति एक सरकारी स्कूल की, और ये स्थिति है सरकारी योजनाओं की, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। हकीकत है, आप सोच सकते हैं किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। और स्कूल तो खास तौर पे स्कूल के डीएम साहब बोल देते हैं कि कुर्ता पैजामा पहन के टीचर नहीं आ सकता। ठीक है, उसकी ड्रेस कोड है या नहीं है वो आप निर्धारित करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज साफ आती है कि बच्चों का ड्रेस कोड तो होता है। ड्रेस वगैरह मिला हुआ है? नहीं मिला है। और कुछ हुआ, अनाज वनाज का पैसा या अनाज मिलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। किताब वगैरह मिलता है स्कूल में? किन के बच्चे पढ़ते हैं, ना ड्रेस कोड है, ना जूता है, ना इसका पैजामा है, कुछ नहीं है। और इसको लाभ जो है सरकार के खाते में, टीचरों के अकाउंट में चला जाता है, लेकिन एक बच्चे को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ये हकीकत है स्कूल की, और ये हकीकत साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि कितने भ्रष्ट टीचर हो या अधिकारी हो बैठे हुए हैं। और आम जनता यहाँ पे चिल्ला रही है, कह रही है, लेकिन इनके समस्या सुनने वाला एक भी मुखिया हो या जननेता हो या अधिकारी हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है स्कूल की, और ये स्थिति है यहाँ के तमाम चीजों का। ये यहाँ पे लड़का है, देखिए बढ़िया सवारी किया है, बढ़िया सवारी किया है।
देश का प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति नहीं पता है? नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति है। बच्चा नौवा क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आप सोच सकते हैं, ये पढ़ाया जाता है स्कूल में और ये शिक्षा दी जाती है स्कूल में कि देश का राष्ट्रपति नीतीश कुमार और बिहार का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। पता नहीं लोग कब बदल जाए। बच्चों को पहले ही लोग ट्रेनिंग दे दिए हैं स्कूल के टीचर लोग। ये स्थिति है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की कि आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि जो बच्चों को नॉलेज होने का, नौवा क्लास का बच्चा था भाग गया। देख लीजिए भाग गया लड़का। कि और भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है तो भाग गया। ये पढ़ाया जा रहा है स्कूल में कि जो नौवा क्लास का बच्चा अगले साल मैट्रिक में जाएगा और उसके बाद पास करेगा, लेकिन उसको जानकारी जीरो। तो ये स्थिति है यहाँ के तमाम चीजों की। और यहाँ पे अब आंगनबाड़ी वगैरह चलता है? इधर ले जाते हो आंगनबाड़ी में? मुबारकपुर में यार, मुबारकपुर जाते हो? कौन क्लास में हो? फाइव में हो? ये बच्चा फाइव में है। ये बच्चा सब भाग रहा है हमको देख करके कि हमसे भी हो सकता है कुछ पूछ ले। लेकिन हम पूछेंगे, सही बात है। हकीकत जानना सबकी जिम्मेवारी है। यहाँ गार्जियन भी बैठे हुए हैं। इन लोगों का भी कहीं ना कहीं दोष है कि ये लोग स्कूल में नहीं जाते हैं और जाके आवाज नहीं उठाते हैं कि हमारे बच्चों को आखिर में भोजन क्यों नहीं मिलता है, हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है। ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। गलती इनकी भी है, गलती सिर्फ टीचर की नहीं है, गलती इनकी भी है। इन लोगों को भी जानना चाहिए कि हमारा लड़का जब 3 बजे स्कूल से आता है तो उसको क्या क्या सिखाया गया है, क्या क्या पढ़ाया गया है, उसकी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन ये लोग भी आराम से बैठे हैं, हवा खा रहे हैं, बैठे बैठे राजनीति करेंगे। लेकिन जो हकीकत है, इनका बच्चा पढ़ जाएगा, वो आईएएस आईपीएस बन जाएगा, हमको देंगे कि आपको देंगे, खुद कमाएंगे। इनका नाम होगा कि इनका लड़का आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, वीडियो बनाए, सीओ बनाए। लेकिन लोग चाहते नहीं है। चाहते तो स्कूल के ग्रामीण जनता का अधिकार है जो पूछ सकता है। किसी का बाप का पैसा नहीं है, बल्कि आम जनता के टैक्स के पैसा से स्कूल चलता है या वीडियो बैठता है या सीओ बैठता है या अधिकारी बैठता है। किसी बाप का पैसा नहीं है, हमारे आपके टैक्स से पैसा कटता है, तब उनके पॉकेट में सैलरी जाती है और तब वो नौकरी कर पाते हैं। ये हकीकत है। इसी तरह से हम आपको तमाम हकीकतें और तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे कि क्या स्थिति है स्कूल की और क्या स्थिति है ये सरकारी योजनाओं की। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।